कोरमा जनपद से जब कोई सरकारी योजना चालू करने के लिए कृषकों से भूमि अधिग्रहित की जाती है तो वहां के लोगों को रोजगार मिलने की आशा जग जाना स्वाभाविक है। इसी प्रकार जनपद के विकास खंड रतनपुरा अंतर्गत बिझोला ग्राम के सुबसा में स्थित हथकरघा मिल का संचालन सरकार द्वारा किया गया था, जो वर्षों से बंद है। इस केंद्र की बिल्डिंग पूरी तरह धराशायी हो गई है, अतः इसे यथाशीघ्र चालू किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। यदि यह संभव नहीं है तो बुनकरों के विकास हेतु कोई योजना संचालित किया जा सकता है। उक्त केंद्र के पास 5 एकड़ भूमि है जो निष्प्रयोजन हो गई है। यह ग्राम बुनकर बाहुल्य भी कहा जा रहा है, इतः इस भूमि पर बुनकरों के हित में कोई योजना प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जाए ताकि लोगों को रोजगार के साथ साथ इस भूमि का भी सदुपयोग हो सके। चाचा इधर कुछ रहा लका पहले लौकत कुल मकान गिरल बा तो कुछ रहा ला पहले कुछ ना रहा पहले मकान बनल सरकारी सरकारी मकान है तो मतलब ऐसा कुछ हो तो काम धाम कुछ ना होता है पहले मिलिए बन के तैयार होले बुनकरी काम होत रहे ना बुनकर खा रहा हूं सब मिल रहे मतलब ही हां हस्तकरघा मिल रहे ना हाथ चले ना तू बता सरकार मोल रहे और चलत रहे बड़ा लोग हाथों का आला अलग 100-150 आदमी अधिकार हमें जीत खात रहा हूँ। अच्छा अब चारों में एकदम तार से जोड़ा लाला बिना आदेश के भले थोड़े रहा निकवारी होते रहा सब सब भले थोड़े रहा निकले के बैठे निकवारी होते रहा। ठीक चाचा मैं निसार अहमद मेरा नाम है, मैं रतनपुरा गांव के रतनपुरा ब्लॉक के ग्राम गाढ़ा का निवासी हूं। सर मतलब ये जो आपके यहाँ ब्लॉक में बिलौझा स्थित जहाँ पे हम आज हम खड़े हैं आए हुए हैं तो आपसे आज हुआ यहाँ मुलाकात, ये जो मिल है लगभग कितने दिनों से बंद पड़ा है? ये लगभग 30-30 साल से ऊपर हो गया जो बंद हो गया है। ये बुनकरों के रोजगार के लिए हस्तकरघा का निर्माण किया गया था, यहाँ पर कुछ लोग अपना काम करते थे। कुछ दिनों के बाद ये 10-12 साल के चलने के बाद ये मिल बंद हो गई और बुनकर यहाँ के भुखमरी के शिकार हो गए। यहाँ के बलौझा, चकरा, मेउड़ी, मुबारकपुर यहाँ के बुनकर इस में काम करते थे, प्रशिक्षण भी लेते थे और अपना रोजी रोजगार भी चलाते थे। मतलब लगभग 25 सालों से बंद है तो मतलब यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, शासन प्रशासन है, तो उन तक ये आवाज़ नहीं गई क्या? अब पता नहीं लोगों ने उठाया नहीं उठाया, लेकिन मैं लगातार यहाँ इसकी आवाज़ 10 साल से उठा रहा हूँ और फिर इस बार भी मैंने निवेदन किया है माननीय कपड़ा मंत्री जी, भारत सरकार स्मृति ईरानी को भी पत्र लिखा हूँ, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक को मैंने ट्वीट किया है और लिखा भी है, अखबारों के समाचार पत्रों के माध्यम से भी बराबर हमने आवाज़ उठाई है और पुनः आज मैं चाहता हूं कि बुनकरों के हित के लिए इस मिल को चालू किया जाए ताकि इसकी ज़मीन का की सुरक्षा हो सके। जब ज़मीन किसान देता है तो वो ये सोच करके देता है कि इस क्षेत्र में रोजगार की बाढ़ आ जाएगी, मगर उसे अफसोस तब होता है जब वो ज़मीन लेने के बावजूद भी वहाँ पर कोई काम नहीं होता, धीरे धीरे वो तमाम सरकारी संस्थाएं बंद हो जाती हैं और बहुत ही तकलीफ का और चिंता का विषय बन जाता है। सर मतलब इसको लेकर के आपको ना क्या लगता है कि अगर ये मिल स्टार्ट हो जाएगा तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? कम से कम 150-200 लोगों को रोजगार यहाँ मिल जाएगा और प्रशिक्षण का काम भी अगर यहाँ चलेगा तो बहुत अच्छा होगा। यदि सरकार इसको नहीं चलाना चाहती तो हस्तकरघा के बुनकरों के लिए तमाम तरह की योजनाएं सरकार के पास हैं, कुछ योजनाएं यहां लगा करके इस क्षेत्र में खुशहाली लाने का काम करेगी। ठीक है, धन्यवाद।